हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ समर हैंगिंग बास्केट को कटिंग से तैयार करूंगी, जो कि समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं और गार्डन में बहुत अच्छा कलर भी देते हैं समर में। और साथ ही मैंने कुछ हैंगिंग बास्केट 15 दिन पहले लगा कर भी आप लोगों को दिखाया था, जिसका कि आज मैं अपडेट भी आप लोगों को दूंगी। बहुत अच्छी ग्रोथ उनकी हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सारी हैंगिंग बास्केट जो सामने आप देख रहे हैं, 2-3 दिन पहले मैं नर्सरी से इन्हें लेकर आई थी और ये वीडियो नर्सरी के शॉपिंग भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो आज कुछ ऐसी कटिंग मैं इसी में लगा कर दिखाऊंगी जो समर में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी करेंगे और गार्डन में हमारे कलर भी देंगे। तो देखिए, कुछ में तो मैंने सॉइल डाल लिया है और इसमें अभी नहीं डाला है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, इसमें अभी नहीं डाला है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 15 दिन पहले कुछ परमानेंट समर हैंगिंग बास्केट 15 बास्केट मैंने लगा करके आप लोगों को दिखाया था, उसकी एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आइडिया लग जाएगा कि और क्या क्या चीज़ें हम लोग हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं कटिंग से। और इसमें लगाने के लिए कटिंग्स भी कुछ गार्डन से ही इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पर्सलिन है और पर्सलिन तो बहुत सारे कलर्स में आते हैं। ये ऑरेंज है, वाइट भी मेरे पास है, पिंक भी है, तो इसकी कुछ कटिंग ले लिया। और ये है बेबी सनरोज, तो बेबी सनरोज भी पहले मैंने आप लोगों को दिखाया है उसकी कटिंग लगाकर और अपडेट भी दिया था। और देखिए, ये है पोर्थुला का, तो पोर्थुला का भी बहुत आसानी से हैंगिंग बास्केट में लगता है। और इसके अलावा मैंने कुछ फोलियज वाले भी ले लिए हैं। तो ये देखिए, इसमें कितना अच्छा ड्रेनेज होल है और इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सॉइल नीचे से बहने लगेगी। तो मैंने कपड़े से इसको कवर कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, ये जो पॉटिंग सॉइल है, इसमें मैंने 40% कोको पीट डाला है और 60% में कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट और काउ मैन्योर मिला करके डाला है। और इसको हम इसमें फिल कर लेते हैं। तो ये जो कोको पीट होता है ना, इससे हमारा बास्केट हल्का भी रहेगा और साथ इसमें मॉइस्चर समर में बहुत अच्छा बना रहता है, ड्रेनेज भी रहता है। तो इसलिए कोको पीट बास्केट के लिए बहुत अच्छी रहती है समर बास्केट के लिए। तो जितनी बास्केट फ्रेंड्स हैं, सब में मैंने यही सॉइल भरा हुआ है कि मैंने सब में पानी डाला है ताकि ये सॉइल अच्छी तरीके से मॉइस्ट हो जाए। तो कटिंग लगाने से पहले पानी डालना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, बेबी सनरोज की कटिंग इस तरीके से नीचे की पत्तियाँ निकाल दिया और उसके बाद 1 या 2 मिलीमीटर नीचे से, जहाँ से लीफ नोड है, उसके कट लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से नीचे की पत्तियाँ निकाल दिया और यहाँ पास से नीचे लीफ नोड से कट कर देना है। तो इसी तरीके से मैंने देखिए सारी कटिंग तैयार कर ली है और 1 इंच नीचे इसको, जहाँ पास से लीफ नोड है, उसको नीचे का हिस्सा पत्तियाँ निकाली है, दबा देना है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने बिना रूटिंग हार्मोन के ही लगाया है। तो फ्रेंड्स, बिना रूटिंग हार्मोन के ये सारी कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती है और आपको बस देखना है कि थोड़ा सेमी शेड में कटिंग को रखना है। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो फिर ये, अभी तेज़ धूप शुरू हो गई तो ये ख़राब होने लगेगी। तो मैंने अभी जहाँ पे मुझे रखना है वहाँ पे हल्की सी छन के धूप आएगी। तो ये देखिए, एक और लगा दिया और थोड़ा पानी भी डाल दिया कटिंग लगाने के बाद। और ये वाले में देखिए, पर्सलिन में लगा रही हूँ। तो पर्सलिन भी इसी तरीके से आसानी से नीचे की पत्तियाँ तोड़ तोड़ करके, और बस क्या, जितना छोटा टुकड़ा आप लगा दें सब लग जाता है। तो ये देखिए, इसको भी बिना रूटिंग हार्मोन के ही ऐसे ही लगा दिया। और थोड़ा सा पानी इसमें भी डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से कटिंग उसमें सेट हो जाए, उसमें एयर पॉकेट ना रहे, इसलिए हम लोग पानी डालना ज़रूरी है कटिंग लगाने के बाद। और ये दोनों में अब देखिए क्या लगाते हैं, तो ये दोनों में ये लगा लेते हैं, पोर्थुला का है ये, जिसको हम लोग 9 से 12 कहते हैं। सारे धूप में ही खिलते हैं, जैसे ही धूप गई इनकी जो है फ्लावरिंग बंद हो जाती है। देखिए, इनको भी ऐसे ही बस इंसर्ट करते चले जाना है। इसके तो नीचे की पत्तियां भी मैंने निकालती हूँ, आप चाहें तो निकाल लें और नहीं तो ऐसे ही लग जाता है, 4-5 दिन में ये भरना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये भी सब ऐसे ही लगा लिया है। तो और इसमें भी देखिए, इसमें भी ग्रीन वाले में भी इसी को लगा देते हैं। तो दो में मैंने पोर्थुला का लगा लिया है, एक में पर्सलिन, एक में बेबी सनरोज। अब देखिए पांचवे में क्या लगाते हैं। तो पांचवे वाले में मैं फ्लावरिंग का नहीं लगा रही हूँ, इसमें मैं ये देखिए कुछ फोलियज लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये है लोरोपेटलम, इसकी कटिंग मैंने पानी में डेवलप की थी तो रूट अच्छी आ गई। और ये है जेड प्लांट, ग्रीन वाला। तो जेड प्लांट भी बहुत आसानी से बस नीचे की पत्तियां निकाला, 1-1 सेंटीमीटर ये इस तरह नीचे इंसर्ट करते चले गए
और आराम से छोटी से छोटी इसकी कटिंग, एक एक सेंटीमीटर की कटिंग इसकी, दो दो पत्तियों की कटिंग इसकी लग जाती है। और ये जो लोरोपेटलम है इसको देखिए, इसको इसको बस इसमें रूट तो है ही है, ये तो आसानी से लग जाएगी। और ये भी बिना रूट के भी लग जाता है, कटिंग इसकी 3-3 इंच 4-4 इंच की आप लगा दीजिए। ये इन दिनों फरवरी मार्च में बहुत आसानी से सभी कटिंग लग जाती हैं। तो देखिए इनको भी मैंने करीब करीब सभी को लगा लिया। और ग्रीन और रेड का ये बहुत अच्छा लगेगा ये बास्केट जब तैयार होगी, तो अभी इतनी अच्छी लग रही है। तो इसमें भी थोड़ा पानी मैंने डाल दिया है। और देखिए इन सब को मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर सेमी शेड रहेगा क्योंकि ऊपर से ये बोगनविला का शेड रहेगा। और वैसे भी इस साइड अभी धूप नहीं आ रही है, मार्च तक कम आती है, और ऊपर से ये बोगनविला का शेड रहेगा जो हल्की छन के धूप आएगी, तो ये कटिंग एक हफ्ते में सब हमारी लग जाएगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को वो सभी हैंगिंग बास्केट दिखा देती हूँ जिसको मैंने 15 दिन पहले लगाया था। तो यहाँ पर देखिए इन सबको मैंने लगाया था, लेकिन एक ही ये वाली को मैंने वॉन्डरिंग जीव को आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई, एक एक 2-2 इंच की लगाया था और इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है। इस साइड मैंने बेबी सनरोज के कुछ हैंगिंग बास्केट तैयार किए थे, कुछ छोटे पॉट में लगाए थे, और सब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरीके से अपने घर में छोटे पॉट में हैंगिंग बास्केट में इस तरीके के कटिंग लगा सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।